हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस इन टेन मिनट्स आज के इस वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशंस के मार्क्सिस्ट अप्रोच को समझने वाले हैं तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस में मार्क्सिस्ट अप्रोच का कोर आइडिया क्या है बेसिकली मार्क्सट अप्रोच ये कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो होता है वो सोसाइटी के इकोनॉमिक क्लास के अन रिलेशनशिप का रिजल्ट होता है जिसका मतलब ये है कि जो सोसाइटी में इकोनॉमिक क्लास के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के एरिना में भी स्टेट्स के बीच के रिलेशंस को शेप देता है और इस तरह इंटरनेशनल सिस्टम में भी हमें एक ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम का डोमिनेशन देखने को मिलता है जिसमें सोशल क्लास ट्रांसनेशनल एलिट्स मल्टी नेशनल ये सारे की एक्टर के रूप में हमें दिखाई देते हैं जहाँ स्टेट्स कैपिटलिस्ट क्लास के एजेंट के रूप में काम करता है तो ये था मार्क्सिस्ट अप्रोच का बेसिक आइडिया अब हम इसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे मार्क्सिस्ट थ्योरी हमेशा से लिबरल और रियलिस्ट थ्योरी का क्रिटिकल और रेडिकल अल्टरनेटिव प्रोवाइड करती है लेकिन जब भी हम इंडिविजुअली मार्क्सिस्ट अप्रोच की स्टडी ब्रॉड वे में करते हैं तब मार्क्सिस्ट अप्रोच के अंदर टू कॉन्ट्रास्टिंग टेंडेंसीज देखने को मिलती है यहाँ पे जो मैंने मार्क्सिस्ट uh, अप्रोच के अंदर डिस्टिंगशन लिया है वो मैंने बेसिकली ग्लोबल पॉलिटिक्स एंट्री हेवुड की बुक से लिया है ठीक है अब हम यहाँ पे मार्क्सिस्ट अप्रोच में दो डिफरेंट टेंडेंसीज देखेंगे जिसमें फर्स्ट है मार्क्सिस्ट न्योमार्क्सिस्ट थ्योरी जिसका प्राइमरी अटेंशन इकोनॉमिक एनालिसिस होता है जिसके थ्रू मार्क्सिस्ट थ्योरी कैपिटलिज्म को एक्सपोज करते हुए एक्सप्लेन कर दी है कि कैसे कैपिटलिस्ट सिस्टम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक्सप्लाइटेशन को प्रमोट कर रहा होता है वहीं यहाँ पर मार्क्सिस्ट अप्रोच में हमें एक क्रिटिकल थ्योरी का एंगल देखने को मिलता है जो आइडियोलॉजिकल और कल्चरल एक्सप्लाइटेशन पर फोकस करता है और इस तरह ये जो क्रिटिकल थ्योरी का पूरा आइडिया है हमें ग्रामसी और फ्रैंकफर्ट स्कूल के आइडिया से इन्फ्लुएंस दिखाई देता है इस वीडियो में हम मार्क्सिस्ट और न्यू मार्क्सिस्ट अप्रोच को समझने वाले हैं क्रिटिकल थ्योरी के आइडिया को डिटेल में हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर हम मार्क्सिस्ट अप्रोच की बात इंटरनेशनल रिलेशंस में करें तो ये थ्योरी हमें यह बताती है कि वर्ल्ड में हमें जितने भी इवेंट्स देखने को मिलते हैं चाहे वो वॉर हो चाहे वो ट्रिटीज़ हो वो सब हमें एक स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलते हैं और वो जो स्ट्रक्चर है वो है ग्लोबल कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर इसका मतलब है कि अगर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं तो आपको इस ग्लोबल कैपिटलिज्म को समझना होगा क्योंकि हमें जो वर्ल्ड में इनइक्वालिटी देखने को मिलती है वो इस ग्लोबल कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर का ही रिजल्ट होती है जो हमेशा से वर्ल्ड की पावरफुल और वेल्दी कंट्री के फेवर में काम करता है इसलिए मार्क्सिस्ट अप्रोच इस एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर को ही चेंज करने के बाद करता है क्योंकि जिस तरह स्टेट में कैपिटलिस्ट और वर्कर क्लास के बीच स्ट्रगल चलता रहता है सेम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी यही स्ट्रगल हमें कैपिटलिस्ट स्टेट और पुअर स्टेट के बीच चलता हुआ दिखाई देता है इंटरनेशनल रिलेशंस में मार्क्सिज्म को समझने से पहले हम मार्क्सिज्म के कोर एजम्शंस को समझेंगे जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के मार्क्सिस्ट अप्रोच का आधार है जिसमें फर्स्ट है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड डायलैक्टिकल मेथड्स, सेकंड है बेस उपर स्ट्रक्चर मॉडल एंड थर्ड है क्लास स्ट्रगल अब हम इसे वन बाय वन समझने की ब्रीफ में कोशिश करते हैं इसमें पहला कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड डायलेक्टिकल मेथड्स, जो कि मार्क्सिज्म की फिलॉसफी का आधार है जो इस बात पर बेस्ड है कि इकोनॉमिक फैक्टर ह्यूमन हिस्ट्री को डिटरमाइन करता है अगर हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और डायलेक्टिक मेथड के कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझे जो ये बताता है कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसके डेवलपमेंट में इकोनॉमिक फैक्टर अल्टीमेट डिटरमाइनिंग फोर्स रहा है यहाँ पर जो इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब ये होता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में सोशल रिलेशनशिप क्या है तो इस तरह ये जो चीज़ है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या सोशल रिलेशनशिप ये ह्यूमन हिस्ट्री के डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इस तरह ह्यूमन हिस्ट्री का डेवलपमेंट एक डायलिक्टल प्रोसेस के थ्रू होता है जिसमें हर स्टेज पर मोड ऑफ प्रोडक्शन है और इस तरह हिस्ट्री के हर फेस में यहाँ पे जो सोशल रिलेशनशिप देखने को मिलता है यहाँ पे जो दो तरह के वर्ग देखने को मिलते हैं उनके बीच हमें एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है और वही कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट होता है एक नए मोड ऑफ़ प्रोडक्शन के रूप में अब हम इस हिस्टोरिकल मेटलिज्म के पूरे प्रोसेस को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अगर हम हिस्ट्री में फ्यू की बात करें तो वहाँ पे सामंत हुआ करते थे एरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे और जिनका बड़े बड़े लैंड्स पर क्या होता था कंट्रोल होता था वहीं ये पहला क्लास होता था ये एक अपर क्लास होता था वहीं दूसरा क्लास होता था पीजेंट्री का जो किसानों का होता था जो इनके लैंड पे क्या करते थे काम करते थे तो यहाँ पे मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ लैंड हुआ जिस पर कंट्रोल किसका था एरिस्टोक्रेट्स का था फ्यूडल लॉर्ड्स का था, था। वहीं अब हमें सेकंड क्लास किसका यहाँ पे देखने को मिलता है पीजेंस का देखने को मिलता है जो क्या करते थे उस लैंड पे काम करते थे तो इस तरह हमें दो तरह के क्लास देखने को मिलते हैं फ्यूडल क्लास और दूसरा पीजेंट क्लास अब धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ता है इनके बीच में स्ट्रगल भी बढ़ते हैं और ये जो स्ट्रगल होता है वो क्लास स्ट्रगल के रूप में सामने आता है इस क्लास स्ट्रगल के बाद एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो नया स्ट्रक्चर होता है कैपिटलिज्म जैसा कि हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मोड ऑफ़ प्रोडक्शन फार्मिंग से इंडस्ट्री की ओर शिफ्ट हो गया जिसका रिजल्ट हमें सोसाइटी में एक नए सोशल रिलेशन के रूप में देखने को मिलता है और यहाँ पे जो सोशल रिलेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ़ प्रोडक्शन चेंज होता जाता है ठीक है और यहाँ पे फिर दो नए क्लास बनते हैं पहला क्लास होता है कैपिटलिस्ट का जिसके पास जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनका ओनरशिप होता है वहीं दूसरा क्लास बनता है वर्किंग क्लास जो कि इस जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वहाँ पे वो काम करता है तो इस तरह हमने देखा कि सोसाइटी के हर स्टेज में क्या हो रहा है दो क्लास बन रहे हैं और वो क्लास का जो रिलेशन है वो मोड ऑफ़ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड हो रहा है मतलब उत्पादन के संसाधन पर किसका हक है उस पर वो क्लास रिलेशनशिप डिफाइन हो रहा है और इस तरह अगर हम इस डायलेक्टिकल मेथड्स को इंटरनेशनल सिनेरियो में देखें तो हमें वर्ल्ड में भी दो क्लास दिखाई देंगे जहां फर्स्ट क्लास में वो कन बड़ी कंट्री वो डेवलप्ड कैपिटलिस्ट कंट्री देखने को मिलती है जो ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए नए नए मार्केट तलाश कर रही होती है वहीं हमें सेकेंड क्लास में वो पुअर कंट्री दिखाई देती है जो इस कैपिटलिस्ट सिस्टम के एक्सप्लाइटेशन का शिकार हो रही होती हैं अब हम इस स्लाइड में बेस और स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे जहाँ मार्क्स किसी भी सोसाइटी के इकोनॉमी को उस सोसाइटी के बेस के रूप में डिफाइन करते हैं इसका मतलब यह है कि किसी सोसाइटी में मोड ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन उस सोसाइटी के बेस को क्रिएट करता है जैसे जैसे हमें इकोनॉमी में डेवलपमेंट देखने को मिलता है या जो मोड ऑफ़ प्रोडक्शन में डेवलपमेंट देखने को मिलता है वैसे वैसे हमें सोसाइटी में भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलने लगता है क्योंकि मोड ऑफ प्रोडक्शन या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ही सोसाइटी के सोशल पॉलिटिकल एजुकेशनल और कल्चरल स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है और इस तरह ये पूरा एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है और इस तरह हम देखते हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम को जो ये बेस और स्ट्रक्चर होता है वो पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम को क्या करता है सपोर्ट करता है क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम सोसाइटी के स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है वहीं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो सिस्टम इस जो कैपिटल सिस्टम है उसको मेंटेन कर रहा होता है इसके बाद आता है क्लास स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट जो कि मैंने पहले ही बताया है कि मार्क्सिस एनालिसिस में क्लास एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हिस्ट्री के डेवलपमेंट में हमें जो हिस्ट्री का जो डेवलपमेंट है वो हमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट के रूप में ही दिखाई देता है इस तरह हमने मार्क्सिस एजम्शन को समझा जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के मार्क्सिस्ट अप्रोच में हमें एक थ्योरेटिकल बेस प्रोवाइड करता है और ओवर द टाइम इन्हीं मार्क्सिस्ट आइडिया का इंटरप्रिटेशन हमें डिफरेंट इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स की राइटिंग में देखने को मिलता है वैसे तो अगर हम मार्क्स के डिफरेंट राइटिंग्स को देखें चाहे वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो या दास कैपिटल हो उन्होंने कैपिटलिज्म का डिज़ास्टरस कैरेक्टर पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था नाइनटीन सेंचुरी में ही वहीं ट्वेंटी सेंचुरी आते आते हमें कई स्कॉलर्स की राइटिंग में कैपिटलिज्म का ट्रांस बॉर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिलता है जहाँ पर डिफरेंट स्कॉलर के थ्रू स्टेट को कैपिटलिस्ट क्लास का इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में डिफाइन करते हुए इंटरनेशनल सिनेरियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई और कैपिटलिज्म को एक नेवर एंडिंग प्रोसेस के फॉर्म में डिफाइन किया गया यहाँ पर कैपिटलिस्ट स्टेट मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के पर्पज से क्रॉस बॉर्डर न्यू मार्केट सर्च करता है जिसका रिजल्ट हमें वर्ल्ड में एक इम्पेरलिज्म और कोलोनियलिज्म के रूप में दिखाई देता है और इसी का ब्रॉड एक्सप्लेनेशन हमें वी आई लेनिन की राइटिंग इंपेरिज्म द हाइस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म में देखने को मिलता है जहाँ पर लेनिन ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कोलोनियलिज्म और इम्पेरलिज्म के थ्रू डोमेस्टिक कैपिटलिज्म सरप्लस प्रॉफिट गेन करने के एम से नए नए मार्केट क्या करता है सर्च करता है और इसी का रिजल्ट हमें वर्ल्ड में क्या देखने को मिला था कोलोनियलिज्म इम्पेरलिज्म और ये वही टाइम था जब डिफरेंट इम्पेरलिस्टिक पावर कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी एशिया अफ्रीका साउथ अमेरिका जैसे एरिया जैसे मार्केट को कंट्रोल करने के लिए पर इस तरह हमें वर्ल्ड में कैपिटलिज्म का एक हाईएस्ट स्टेज देखने को मिल रहा होता है जहाँ एक तरफ वो डोमेस्टिक कोर कंट्रीज़ होती हैं जो नए मार्केट सर्च कर रही होती है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए वहीं दूसरी तरफ लेस डेवलप्ड कंट्री होती हैं पेरीफरी कंट्री होती हैं जिनका एक्सप्लाइटेशन कौन कर रहा होता है कोर कंट्रीज़ कर रही होती हैं बाद में नाइनटीन के डिकट में इंटरनेशनल रिलेशंस में मार्क्स इंटरप्रिटेशन रिवाइव्ड होता दिखाई देता है जब डिफरेंट स्कॉलर ग्लोबल पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट थ्योरी डेवलप करते हैं जिसमें डिपेंडेंसी थ्योरी और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद होता ये है कि जो ट्रेडिशनल इम्पेरलिज़म होता है वो अपना कैरेक्टर चेंज कर लेता है और न्यू कोलोनियलिज्म के फॉर्म में वर्ल्ड में दिखाई देने लगता है तब लैटिन अमेरिका के डिपेंडेंसी स्कॉलर जो होते हैं वो कोर पेरिफेरी नेशन के कॉन्सेप्ट की इन डेप्थ स्टडी करते हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आता है राउल प्रेबिश का अब राउल प्रेबिश कोर और पेरिफेरी नेशंस के कैरेक्टर्स बताते हुए कहते हैं कि पेरिफेरी नेशन्स वो नेशन होते हैं जो कोर नेशन को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं वहीं कोर नेशंस वो डेवलप्ड नेशन होते हैं जो पेरिफेरी से रॉ मटेरियल्स को लेते हैं और उसे प्रोसेस्ड करके मैन्युफैक्चर गुड्स बनाते हैं अब इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन को वो एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि ये जो कंट्रीज़ पैरवरी में होती हैं वो लगातार एक्सप्लाइटेशन का शिकार हो रही हैं क्यों क्योंकि ओवर द टाइम जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होता है उनका प्राइस जो है वो रॉ मटेरियल से बढ़ता जा रहा है लेकिन जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है इसलिए जो पेरीफेरी नेशंस हैं वो और गरीब होती जा रही हैं जबकि जो कोर कंट्रीज हैं वो पेरीफेरी से प्रॉफिट कमा के और अमीर होती जा रही है और डेवलप्ड होती जा रही है अब इन सारे एनालिसिस को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं माना अफ्रीका की एक कंट्री है जो क्या कर रही है कॉटन प्रोड्यूस कर रही है तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल नेशन हैं वो यहाँ से कॉटन को क्या कर रहे हैं अफ्रीका के इस कंट्री से कॉटन को इंपोर्ट कर रहे हैं तो कॉटन क्या हुआ यहाँ पे रॉ मटेरियल हुआ तो जो रॉ मटेरियल जो कॉटन है उसको सस्ते में वो इम्पोर्ट किए अपने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में फैक्ट्री में उस कॉटन को प्रोसेस करके उन्होंने क्लोथ बनाया और उस क्लोथ को बना के क्या कर दिया उन्होंने मैनुफैक्चर गुड क्रिएट किया अब इस मैनुफैक्चर गुड्स को वो एक मार्केट्स में महंगे प्राइस में बेच रहे होते हैं तो इससे प्रॉफिट किसको हुआ इससे प्रॉफिट हुआ कोर कंट्रीज को जबकि जो पेरेफेरी कंट्रीज थी जिसे रॉ मटेरियल क्या किया गया लिया गया उसको तो उसका वो प्राइस नहीं मिला उसको तो वो प्राइस सस्ते में मिला इस वजह से क्या हुआ हमने देखा कि कोर कंट्री पेरेफेरी कंट्री की तुलना में ज़्यादा अमीर होती गई जबकि जो पेरेफेरी कंट्रीज थी वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के बाद भी क्या होती गई गरीब होती गई अब इसमें अगले स्कॉलर आते हैं ए जी फ्रैंक जो अपनी राइटिंग कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका में इस डिपेंडेंसी थ्योरी के आइडिया को आगे बढ़ाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कोर पेरीफेरी नेशन के रिलेशन को और ये बताते हैं कि ये जो कोर नेशन है जो एडवांस्ड कैपिटल कंट्री हैं वो पेरीफेरी कंट्रीज़ को खुद पर मतलब इन कोर कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट बना रही है इन डिफरेंट टर्म्स लाइक एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स मैनुफेक्चर गुड्स एंड एड्स इससे क्या हो रहा है पेरी कंट्री ना चाहते हुए भी कोर कंट्री पे डिपेंडेंट होती जा रही है तो ये था ब्रीफ आइडिया डिपेंडेंसी थ्योरी का जिसे मैंने बहुत शॉर्ट में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है अब इसमें नेक्स्ट आइडिया आता है इमेनुअल वर्ल्ड के वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का जिसे वो अपनी बुक मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम में एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो ग्लोबल वर्ल्ड हिस्ट्री है वो डिफरेंट वर्ल्ड सिस्टम के बनने बिगड़ने से बनी है और अभी करंट में जो हमें मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम देखने को मिल रहा है उसका एमरजेंस हमें सिक्सटीन सेंचुरी में यूरोप के चारों ओर देखने को मिलता है जिसके एमरजेंस का मेजर कारण होता है कैपिटलिज्म और इस तरह वो मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम को कैरेक्टराइज करते हुए थ्री डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में डिवाइड करते हैं और कहते हैं कि ये ये जो डिवीजन है वो इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर का रिजल्ट है अब मैं इसे वन बाय वन समझाती हूँ ये जो तीन डिवीजन है वो है कोर नेशन पेरीफेरी और थर्ड है सेमी पेरेफेरी कोर नेशन में वो नेशन आते हैं जो डेमोक्रेटिक हैं डेवलप्ड हैं जहाँ पे हाई विजेस हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल को ये क्या करते हैं है इम्पोर्ट करते हैं और उन्हें मैनुफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाते हैं वहीं पैरेफेरी नेशन वो नेशन होते हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक हैं अंडर डेवलप्ड हैं वेजेस यहाँ पे बहुत ही कम है ये यहाँ पे रॉ मटेरियल को ये ये क्या करते हैं इनका जो पूरी इकोनॉमी है वो रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट में ही डिपेंडेंट होती है और ये मैनुफैक्चर गुड को गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं वहीं वॉलस्ट्रीन एक थर्ड कैटेगरी भी बताते हैं जिसका नेचर जो होता है वो हाइब्रिड होता है मतलब ये अपने में कोर नेशंस के भी कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं वहीं नेशंस के भी कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं इसलिए हम इसे सेमीपेरेफेरी के नाम से जानते हैं अब यहाँ पे जो वर्ल्ड सिस्टम के थ्योरिस्ट हैं वो इस पूरे सिस्टम को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि ये जो तीनों जोन हैं वो एक दूसरे से वेल्थ के एक्सप्लाइटेटिव रिलेशनशिप के साथ लिंक्ड हैं इसका मतलब ये है कि जो कोर नेशंस हैं वो पेरेफेरी और नेशन के थ्रू वेल्थ जनरेट कर रहे हैं इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि कोर नेशंस और ज्यादा रिच होते जा रहे हैं जबकि जो अदर नेशन है जो पुअर नेशंस हैं वो और ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं और इस तरह ये पूरा सिस्टम एक मैकेनिज्म बन गया है कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी का जो कि बेस्ड है अन एकवल एक्सचेंज पर यहाँ पे अनईक्वल एक्सचेंज का मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक सरप्लस है जो प्रॉफिट है वो पेरेफेरी नेशन से सेमी पेरेफेरी में जाता है और सेमी पेरेफेरी से कोर नेशन की ओर ट्रांसफर हो जा रहा है जहाँ पर फायदा सिर्फ कोर नेशन को मिल रहा है अब हम यहाँ पर ग्रामसी के आइडिया को भी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे ग्रामसी का पूरा आइडिया हमें उनकी राइटिंग प्रिजन नोटबुक्स में देखने को मिलता है जहाँ उनका कोर आइडिया हमें हैज़िमिनी के चारों ओर घूमता दिखाई देता है मार्क्स की राइटिंग में हमने देखा था कि मार्क्स जो है वो बेस को सुपर स्ट्रक्चर का पूरा आधार बताते हैं वहीं ग्रामसी का जो आइडिया है वो सोसाइटी के सुपर स्ट्रक्चर पर फोकस करता है और इस तरह ग्रामसी सुपर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि रूलिंग क्लास इस सुपर स्ट्रक्चर के थ्रू सोसाइटी में हेजोमिनी क्रिएट करता है जहाँ रूलिंग क्लास या डोमिनेंट क्लास होता है वो कुछ सर्टेन मॉरल्स पॉलिटिकल और कल्चरल वैल्यूज़ को जो कि उसके फेवर में होते हैं उसे सोसाइटी में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस मीडिया या एजुकेशन सिस्टम के थ्रू स्प्रेड करता है और इस तरह ये सुपरस्ट्रक्चर रूलिंग क्लास की सोसाइटी में हाइजमिनी क्रिएट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो एक तरह से रूलिंग क्लास को वैलिडिटी या कंसेंट प्रोवाइड करता है अगर हम इसे और इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो ग्राम से ये कहना चाहते हैं कि जो रूलिंग क्लास होता है वो मीडिया सोशल ग्रुप कल्चर आइडियोलॉजी के माध्यम से सोसाइटी में अपने पोजिशन को स्ट्रॉन्ग करता है और अपनी डोमिनेशन को क्रिएट करता है और सोसाइटी में ऐसे आइडियाज़ को सर्कुलेट करता है जो उसके फेवर में हो और जब सोसाइटी का दूसरा ग्रुप उन सारे आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर लेता है तब रूलिंग क्लास की हेजमिनी क्रिएट हो जाती है और इस तरह ये पूरा एक्सप्लोइेटिव सिस्टम इस हैजुमिनी के थ्रू कंटिन्यूसली चलता रहता है तो इस तरह हमने इन सब थ्योरीज का बेसिक आइडिया समझा जो इंटरनेशनल रिलेशंस में मार्क्सिस्ट अप्रोच को समझने में हेल्पफुल है और अगर हम लास्ट में मार्क्स थ्योरी को कंक्लूड करें तो ये कहा जा सकता है कि मार्क्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्लोब में एक सिंगल इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सिस्टम डोमिनेट कर रहा है जो है ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम और इस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस एक ब्रॉडर सोशल और इकोनॉमिक रिलेशंस का रिजल्ट होता है जो हमें वर्ल्ड लेवल पर स्टेट्स के बीच दिखाई देता है जिसका आधार एक्सप्लाइटेटिव इकोनॉमिक रिलेशन होता है तो ये था ब्रीफ में मार्क्सिस अप्रोच का आइडिया आज की वीडियो में बस इतना ही मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग